हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं दो वीडियो आज की डेट में यहां पर आ चुके हैं जहां पर हमने मार्केट के व्यू से रिलेटेड बातें करी है मार्केट गिरती हुई नजर आई है तो ऑब्वियस सी बात है सबको डर लगता है तो इस डर को भगाने के लिए हमेशा मैं ये वीडियो बनाता हूँ कल भी हमने बनाई थी तो कल हमने बताया भी था मार्केट गिरेगी इसके अलावा हम बात करें एशियन ग्रेने का यहाँ पर शेयर तो हमें मिल गया है लिस्टिंग डेट ट्वेंटी तक शायद यहाँ पर लिस्ट हो सकता है तो याद रखिएगा बट अपने राइट इश्यू प्राइस से भी नीचे आ गया है क्या करना है क्या नहीं करना है उससे रिलेटेड मैंने आपको फुल वीडियो बनाई है इसके फ्यूचर से रिलेटेड तो जाके एक बार देख लीजिएगा इस वीडियो में हम बात करने वाले अलग अलग स्टॉक्स से रिलेटेड काफी स्टॉक्स से रिलेटेड लोगों की क्वेरीज भी आ रही है उस क्वेरीज को भी सॉल्व करेंगे इसके अलावा ये स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं कि अगर गिरते हैं और गिरने पर आपको मिलते हैं तो ऐसे स्टॉक्स को आप चुनिएगा अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा बट रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है और जितना हो सके सीखने की कोशिश करना है तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं सबसे पहले हम जी ओवरसीज की बात करेंगे जी ओवरसीज की अगर मैं बात करूं तो हर बार मैंने आपको बताया ओके okay, और इसके गिरने का पीछे रीजन क्या है सबसे पहले तो मैं आपको वो क्लियर कर देता हूं आप यहाँ पर बी में जाएंगे ओके okay, जैसे बी यहाँ पर ओपन होगा तो यहाँ पर ऊपर ही ऊपर जो टॉप पे यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर सर्च करिएगा जी आर एम ओवरसीज ओके okay, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई देगी ये देखिए स्टेज थ्री मतलब की लिस्ट में ओके okay, यहाँ पर ये यह आ चुका है ओके okay, एक होता है है उसमें यहाँ पर जो ये से भी करती है, उसकी लिस्ट में आ चुका है ये चौथे नंबर पे था बट अभी फोर्थ से यहाँ पर थर्ड में आ गया इट इज ए गुड पॉइंट फॉर दिट बट अगर हम यहाँ पर देखे तो यहाँ पर जी आर एम ओवरसीज यहाँ पर आ, नीट आ, इसी रीजन की वजह से ना तो भाग रहा था और यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा था बट हम यहाँ पर देखें तो डिविडेंड भी कंपनी दे रही है कंपनी के अगर हम रिजल्ट की बात करें तो हम एक बार यहाँ पर रिजल्ट देख लेते हैं तो गिरने के पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया ओके कंपनी के अच्छी है बेकार है वो आप यहाँ पर डिसाइड करिएगा मैं आपको बस कुछ चीजें बताऊंगा स्मॉल कैप पे स्मॉल कैप जब भागती है तो किस तरीके के रिटर्न देती है वो आप यहाँ पर देख ही चुके से होती है इस को याद रखिएगा नौ सौ ये शेयर आ, अगर मैं आपको पांच साल पहले अगर ले जाता हूँ पांच साल की जरूरत नहीं है दो में दस रुपए का था दस रुपए से ये शेयर नौ सौ रुपए पैंतीस पे, पे गया और नौ सौ पैंतीस में भी इसने बोनस भी दिया स्प्लिट भी दिया और फिर इसके बाद अब ये शेयर यहाँ पर 348 सौ पर ट्रेड कर रहा है मतलब हाफ वैल्यू से भी यहाँ पर कम आ गया है तो इस चीज को समझना होगा बट शेयर बेकार है बिल्कुल नहीं है क्यों नहीं है क्यों क्योंकि क्यों यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इंडस्ट्री का पी उन्तालीस है अब चौबीस इसका चौबीस है कहीं ना कहीं सस्ता है आर ओ सी आर ओई की बात करें ट्वेंटी नाइन फोर्टी नाइन ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक में ये मिल जाए तो याद रखिए बहुत बेहतरीन यहाँ पर चीजें मानी जाती है एक नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है बट यहाँ पर हम चीजें और भी कुछ चीजों देखेंगे तो आपको पता चलेगी कंपनी लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है थ्री सिक्सटी टू का यहाँ पर पिछले बारह क्वार्टर का हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स है इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें कंपनी का मार्जिन यहाँ पर घटता हुआ नजर आया है क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पर बट यहाँ पर अगर हम देखें कंपनी का परफॉर्मेंस तो कंपनी धीरे धीरे अच्छा परफॉर्मेंस करेगी यहाँ पर मार्जिन एक्सपेंसेस की वजह से मार्जिन यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया बट धीरे धीरे मुझे लगता है कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर करेगी और डेफिनेटली करेगी तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा ओके शायद इसमें थोड़ा बहुत पेन रह सकता है फ्यूचर में क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मार्जिन घटते आए हैं बट कंपनी अगर मार्जिन सुधार लेती है तो एक दो क्वार्टर के बाद अच्छे खासे यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखाई दे सकते हैं और यहाँ पर एक लगातार जंप भी देखी गई है कंपनी ने मल्टीपैगर रिटर्न भी दी है रिजर्व भी है कंपनी के पास बॉरिंग यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है और यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें सेवेंटी है एज इट इज़ बनी हुई है शेयर यहाँ पर बेच नहीं रहे एफ ने भी यहाँ पर एंट्री ली है और यहाँ पर पब्लिक की बात करें पब्लिक में देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली है

प्रेशर बना हुआ है मार्क, पूरी मार्केट गिरती हुई नजर आ रही है और जब पूरी मार्केट गिरती हुई नजर आती है तो अच्छे अच्छे शेयर भी यहाँ पर धराशायी हो जाते हैं जिनके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं ना वो भी शेयर यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर सिंपल मार्केट का ही कसूर है जैसे ही ऊपर जाएगी तो वॉल्यूम यहाँ पर ठीक ठाक आ रहा है जैसे ही मार्केट ठीक जाएगी तो मुझे लगता है कि ये शेयर दोबारा अपर सर्किट में भागेगा और लगभग अपने इस लेवल जो ये पांच और साढ़े पांच का लेवल है इसे तो एटलीस्ट यहाँ पर क्रॉस करने ही वाला है तो इसके लिए बेफिक्र रहिए थोड़ा सा

पर uh, फंडामेंटल आपको पता है बेहतरीन है सबके बट हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ और शेयर की जैसे कि हम बात करेंगे इंडिया मार्ट की इंडिया मार्ट ओके okay, बाई है आपको पता ही है बासठ सौ रुपए के आसपास का बाई बैक है और लगभग 4100 के आसपास शेयर चल रहा है तो कहीं ना कहीं जो भी यहां पर बाई में अप्लाई करेगा उसे अच्छे खासे यहां पर रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे तो क्या जब एक कंपनी यहां पर कुछ सोचने वाली बात है कंपनी शेयर इकतालीस सौ रुपए का शेयर बासठ सौ रुपए में लेने को तैयार है तो क्या शेयर बेकार है बिल्कुल भी नहीं है ओके कंपनी बी टू बी बिजनेस में आ, बात करें तो इंडिया की नंबर वन कंपनी है और यहां पर कंपनी फिफ्टी परसेंट लगभग डाउन हो चुकी हो गई है और जब ये शेयर भागेगा तो लगभग 140 परसेंट इधर तक भी आ गया ना तो सीधे 140 परसेंट के रिटर्न आएंगे तो इसमें एक जो मैं आप में हमेशा कहता हूँ राउंडिंग टॉप था राउंडिंग टॉप इसने मोस्टली कंप्लीट कर लिया है यहां पर डब डबल बॉटम डबल बनने की कोशिश है अगर डबल बॉटम टूटता है तो याद रखिए थोड़ा सा प्रेशर आ, आ सकता है इस शेयर में और शेयर इस लेवल पे और इस लेवल पे लगभग अट्ठाईसो तक भी फिर इस केस में जा सकता है तो रेडी रहिएगा बट अगर नीचे मिलता है तो ये शेयर आपको एक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है बट इतनी गिरावट हो चुकी है ओके गिरने को और भी गिर सकता है बट मुझे नहीं लगता ज़्यादा यहाँ पर ये शेयर को गिरना चाहिए बट इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान में रखना अगर ये इस जो ये एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ चार हजार सात चार हजार सात का अगर लेवल यहाँ पर टूटता है तो चीजें बुरी हो सकती है और बेकार हो सकती है यहाँ पर चौतीस का लेवल पहला और दूसरी लेवल की बात करूँ तो तीन हज़ार के लेवल तक ये शेयर इकत्तीस सौ के लेवल तक आता हुआ दिखाई दे सकता है तो थोड़ा सा कोशिश भी रहना है एज वेल एज अगर उछाल मिलता है तो उछाल पे यहाँ पर बेचने की कोशिश करिएगा अगर ये शेयर पाँच हज़ार पर आता है तो यहाँ पर बेचने की कोशिश करिएगा फिर नीचे मिलेगा तो फिर खरीदिएगा फिर ऊपर जाएगा तो फेचिएगा इस तरीके से करके आप यहाँ पर ट्रेड से अपने लॉस को भी कवर कर सकते हैं ये स्ट्रैटेजी भी मैंने आपको बता दी इसके अलावा हम बात करते हैं एक और शेयर की डिक्सन टैक की डिक्सन टैक बेहतरीन शेयर है इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है बट मार्केट में प्रेशर है कुछ न्यूज भी आती हुई दिखाई दी थी जो यहाँ पर एम से रिलेटेड बट उससे इनका कुछ लेना देना नहीं था और उस चीज से इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है इनकी मैनेजमेंट की अगर कमेंट्री आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा राउंडिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं टॉप था वो यहाँ पर तोड़ते हुए नजर आए हैं ओके और ये शेयर में बेहतरीन सपोर्ट पे ऑलरेडी खड़ा हुआ है बट स्टिल अगर इस सपोर्ट को भी तोड़ती है तो यहाँ पर एक सपोर्ट और नजर आता है ये वाला अगर इस सपोर्ट को 31 से 94 के सपोर्ट को तोड़ती है जो कि मुझे लगता है कि तोड़ेगी sooner or later अगर यहाँ पर तोड़ती है तो याद रखिए ये यह शेयर यहाँ पर आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है 2600 के आसपास और इस लेवल पे अगर ये शेयर आता है तो यहां पर बाइंग की सलाह रहेगी और बाय ऑन डिप्स करेंगे तो याद रखिए ये ऐसे शेयर है जो अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम अपने पास रखते हैं ना तो मल्टीपैगर रिटर्न बन के निकलते हैं मैंने एक कंपैरिजन देखा था कि किस तरीके से इस तरीके के स्टॉक्स ओवर द वर्ल्ड किस तरीके से बदले है और किस तरीके से इन्होंने धीरे धीरे मार्केट कैप्चर करना शुरू किया है और ऐसे शेयर मल्टी बैगर बन के निकलते हैं और मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी दे दिए करेक्ट हो रहा है नीचे आएगा तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनेगी तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है और वीडियो इस तरीके अच्छी लग रही हो तो कमेंट करिएगा शेयर करिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा और नए लोग हो तो सब्सक्राइब करिएगा अब दूसरे शेयर की तरफ चलते हैं दूसरा शेयर डी आपको पता है किस तरीके से स्टोर को यहाँ पर ये खरीदता है और अगर हम बात करें ये एक बेहतरीन शेयर भी नजर आता है और राकेश दमानी सर ओके आर के अगर हम बात करें दमानी सर यहाँ पर इसके ओनर भी है और इसका जो बिजनेस मॉडल है काफी बेहतरीन बिजनेस मॉडल है किसी तरीके का रेंट नहीं रहा सीधे खरीदते हैं सामान सस्ता इसलिए यहाँ पर बेचते हैं बट यहाँ पर एक देखिए ऊपर गया था ऊपर जाने के बाद यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया और थोड़ा नीचे आ रहा है सपोर्ट की बात करें तैतीस और ये जो आ, इसने रिसेंट लो बनाया था बत्तीस के आसपास का ये इसके यहाँ पर लो है ओके जब तक इसी रेंज में मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत घूमेगा मार्केट अगर ठहरती है तो वेल एंड गुड अदरवाइज ये शेयर मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर रिजल्ट अगर प्रेशर आता है थोड़ा बहुत ओके okay, तो यहाँ पर ये शेयर दोबारा 2600 तक मिल सकता है और तो अगर इस लेवल पे मिलता है तो बाई करने की सोचिएगा क्यों क्योंकि अगर हम इसके पीई की भी बात कर लेते हैं सबसे पहले हम डिक्सन का पीई दिखा देते हैं कि डिक्सन का पीई कितना है एक सौ सत्रह का पी है और इंडस्ट्री का पी तिरानवे तो कहीं ना कहीं अभी भी ये शेयर महंगा है तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बट आर ओ सी आर ओ ई डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर बेहतरीन है तो घबराने की जरूरत नहीं है अच्छी कंपनी के पी तो हमेशा महंगे ही रहते हैं इसके अलावा इंडिया मार्ट को भी मैं एक बार दिखा देता हूं यहाँ पर शॉर्ट में तो यहाँ पर इंडिया मार्ट का पी इकतालीस है कही कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के पी से नीचे आ गया है तो ये शेयर यहाँ पर बाइंग बनता है और आर ओ सी आर ओ ही काफी बेहतरीन है और डेट फ्री कंपनी है जब भागेगा तो याद रखिए अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे और इसके डी डीमार्ट की बात करें तो डीमार्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी आ, एक सौ का इंडस्ट्री पी है स्टॉक पी 155 है तो काफी गिर चुका है काफी सस्ता हो चुका है डेट फ्री कंपनी है, ठीक ठाक है कुछ खास नहीं है बट यहां पर ठीक ठाक मानी जाएगी और रिजल्ट की बात करें कंपनी के रिजल्ट अगर देखें ईयरली बेसिस पे फ्लैट यहां पर दिखाई दे रहे हैं मार्जिन बट इनका जो प्रॉफिट है ईयरली बेसिस पे बढ़ा है बट क्वार्टरली बेसिस पे इफेक्ट आता हुआ दिखाई दिया है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहां पर खत्म हो जाएगा मुझे लगता है और यहां पर देखें प्रोमोटर्स की इन्हें अपनी होल्डिंग एज इट इज बना रखी है तो डी की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अगर नीचे मिलता है तो यहां पर खरीदने की कोशिश करिएगा क्यों क्योंकि शेयर यहाँ पर सस्ता हो गया बट लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और शेयर की हम बात करेंगे इन्फोएज इन्फोएज

टूटी तो इसमें pressure बन गया। अभी एक support पे यहाँ पर खड़ा हुआ है अगर इस, इसे यहाँ पर यह होल्ड कर जाता है तो वेल एंड गुड अदरवाइज यहाँ पर थोड़ी बहुत ही गिरावट यहाँ पर मुझे लगता है गिरावट होगी गया अगर होगी तो अदरवाइज ये जिस सपोर्ट पे खड़ा हुआ है एक बेहतरीन सपोर्ट पे है यहाँ से चीजें अब ऊपर की तरफ जानी चाहिए नीचे की तरफ नहीं बट याद रखिएगा इस लेवल को निकालता है तो एक तेजी होगी इस लेवल को निकालता है तो तेजी होगी और इस लेवल पे आता है तो याद रखिए एक बार आप बेच के दोबारा नीचे के लेवल पे आके खरीद सकते हैं तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो आप लॉस को भी कवर कर पाएंगे और यहाँ पर चीज़ों को समझने के यहाँ पर अच्छा पैसा भी बना सकते हैं तो यहाँ पर सारे के सारे शेयरों में थोड़ा बहुत प्रेशर हो सकता है बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारे प्रेशर भी खत्म होगा और कंपनी एक एक करके यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न भी देती हुई नजर आएगी तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है कंपनी लगातार यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस